अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेशावर धर्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। और बहुत ज़्यादा ही मुझे खुशी हो गई कि भाई हमारी जो टीम है यानी पेशावर धर्मी पबजी द किंग की जो टीम है वो फाइनली अपना पहला मैच जो है जीत चुकी है। और मुल्तान सुल्तान के ग्राउंड में मुल्तान को हराना नामुमकिन ही है, क्योंकि एक मैच भी जो है मुल्तान अपने ग्राउंड में होम ग्राउंड में हारी नहीं है। और वो काम हमारे पेशावर धर्मी के प्लेयर्स ने कर दिया, पेशावर धर्मी के कैप्टन ने कर दिया, हमारे कोच साहब ने कर दिया, यानी हेड कोच जो है हमारे डैरन सैमी। अब मैं उसके बारे में बताऊंगा। ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि डैरन सैमी की वजह से हम ये वाला मैच जीते, वरना हमारे ये जो गेम था जाते जाते दिख रहा था, हारते हुए दिख रहा था ये गेम फुल मिला के। तो और आज बिगेस्ट राइवलरी मैच है यानी लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग्स का। जिस तरीके के देखो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान होता है और क्या नाम है बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड होता है, उसी तरीके से ये पाकिस्तान की लीग है जिसमें लाहौर कलंदर और कराची किंग्स का मैच होता है। तो ये बड़ा मतलब अच्छा माना जाता है, ये मैच जो है फुल मज़ेदार मैच होता है। और आज क्योंकि मैं तो हूँगा नहीं तो मैच तो मैं देख नहीं पाऊँगा, फिलहाल वो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और वो उसका व्लॉग इंशाल्लाह मंडे को या कल ही आ जाएगा, वो तो देखी जाएगी। और व्लॉग मतलब ये जो वीडियो लेट आ रही है इसका मकसद सिर्फ यही है, क्यों आ रही मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक लाइट जो है नहीं आई हुई है, नेट भी नहीं चल रहा, फिलहाल डेटा भी मोबाइल जो है ख़त्म हो चुका है। तो किस तरीके से वीडियो अपलोड की जाए थोड़ी सी लेट आ रही होगी ये वीडियो, मैं मानता हूँ। तो फिलहाल अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? अभी मजाक कर रहा हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रहा मैं बस। तो फिलहाल तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं मैच की। फिलहाल बाबर आजम ने टॉस जीत के जो है बैटिंग का फैसला किया और बिल्कुल सही फैसला किया। मैं समझता हूँ कि शाहिन शाह आफरीदी ने भी सही फैसला किया था, क्योंकि यहाँ पर चेस करना जो है थोड़ा सा मुश्किल है, बट ऐसा नहीं हुआ पाया लाहौर कलंदर से। लाहौर कलंदर इस बार जो है बहुत ही मतलब थर्ड क्लास जा रही है, जो पहली टीम थी वो वैसे ही अभी भी हो चुकी है। बट जो भी हो फिलहाल अभी चांसेस सबसे ज़्यादा जो है फिलहाल लाहौर के बाहर होने के हैं। अभी देखो क्योंकि आज का मैच फैसला होगा, अगर लाहौर जीतती है तो फिर सारी टीमें समझ सकते हो कि क्वालिफाई कर सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि तकरीबन मुल्तान और क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो है समझ लो क्वालिफाई कर चुकी हैं, क्योंकि वो तीन के तीन लगातार मैच जो है जीत चुकी हैं। और सैफी भाई आपने कैप्टनसी क्यों छोड़ी यार? नहीं छोड़नी चाहिए थी कैप्टनसी, फिलहाल उसको तो एक दिन पहले बेचारों को बताया कि भाई आप कैप्टनसी से जो है जा रहे हैं, आपको हम रिले रोसो को जो है कैप्टन वैप्टन बना रहे हैं। फिलहाल एक अफगानिस्तान की मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी कि अफगानिस्तान के प्लेयर है, उसने जो है मैच फिक्सिंग करी है, मैंने उसके बारे में बताया नहीं था। उसका नाम है नूर अहमद, जो स्पिनर थे उन्होंने जो है मैच फिक्सिंग करी। कहाँ करी? ये शायद BPL में जो है मैच फिक्सिंग करी थी उन्होंने, और 5 साल की जो है सज़ा उनको सुना दी गई है कि भाई आप क्रिकेट नहीं खेल सकते 5 साल तक। और दुख होता है जब यंग स्टार ऐसा करते हैं और फिर अपने जो है करियर खुद ही जो है ये लोग दांव पे लगा देते हैं। अपने टॉपिक पर आते हैं यानी पेशावर धर्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान के। तो फिलहाल हम कहाँ थे, टॉस जीत के जो है बैटिंग का फैसला किया, बिल्कुल अच्छा फैसला था। उसके बाद फिर हमारे ओपनर्स आते हैं बाबर आजम और सैम अयूब जो है फॉर्म में नहीं दिख पा रहे। पहले मैच में उन्होंने मारे लेकिन 2 मैचेस ने उन्होंने कुछ नहीं करा। हमारे बॉब्सी द किंग फॉर्म में ही है लगातार माशाल्लाह से, और इसी तरीके की परफॉर्मेंस अल्लाह करके जारी रहे। हाँ इस बार थोड़ा सा स्लो खेला बट खैर कोई बात नहीं, इन लोगों ने जो है चेंजेस भी करी और जो कि अच्छी चेंजेस थी हमारे लिए अच्छी साबित हुई। कौन कौन था मैं आपको बता दूँ, एक वॉल्टर नाम का था जिसने आखिरी में आके रन्स करे, जिसकी वजह से जो है 180 का टारगेट गया। रोमन पॉल जो है उन्होंने भी जो है बहुत तेज खेला, और हसीबुल्ला की जो है हम बात करें तो हसीबुल्ला को उन्होंने खिलाया और हसीबुल्ला ने दिखाया भाई देखो कि मैं खेल सकता हूँ। और मोहम्मद आदिल भी फॉर्म में नहीं है तो उन्होंने भी कुछ नहीं करा। बाबर ने 34 रन बनाए और फिर वो आउट हो गए गलत शॉट सिलेक्शन की वजह से, बट जो भी हो और मज़ा आ गया मैच देख
मतलब पूरी दुनिया को ही मज़ा आया होगा, जो PSL देखते हैं उनको काफ़ी मज़ा आया होगा, क्योंकि आखिरी बॉल तक वो मैच गया और ऐसा लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान जीत सकती है। अगर इफ्तिकार अहमद खड़े रह जाते तो मुल्तान सुल्तान जीत जाते, अभी उस पर आएंगे हम। फिलहाल बैटिंग पर आ रहे हैं हम, तो चेंजेस बता रहा था मैं, एक आरिफ याकूब थे या कौन था, हाँ आरिफ याकूब था, याकूब अपना वॉल्टर था, हसीबुल्ला था, और बाकी कोई चेंजेस नहीं की थी। तो ये लोग थे जो खेल रहे थे कल के मैच में, और आउटस्टैंडिंग मतलब जो है कल मैच हुआ। हम मतलब पूरे PSL में इस बार ऐसा कोई मैच नहीं हुआ था जो पेशावर चल गया मुल्तान सुल्तान को, हुआ आखिरी बॉल तक गया। फिलहाल फुल मिला के जो है हमने 180 तक का जो है टारगेट दे दिया, उसके बाद फिर पेशावर जर्मी जो है थोड़ा सा अच्छा टारगेट पर आ गई, क्योंकि आखिरी में वॉल्टर वॉटल ने जो है मार दिया था। उसके बाद फिर उनकी बैटिंग आती है सर रिजवान को, जो है हमने पहले ही आउट कर दिया था अंडे रन पर, और फिर हैंड्रिक्स और क्या नाम है मलान जो है चिपक जाते हैं। उससे पहले भी जो है कुछ चेंजेस करी अब मोहम्मद रिजवान ने, पता नहीं किसको भेजा था, मुझे याद नहीं इसलिए मैं बता नहीं रहा। तो फिलहाल फजान पता नहीं किसको भेजा था, लेकिन फिर मलान आए, मलान ने थोड़ा सा काफ़ी तेज़ खेल लिया, अगर वो हैंड्रिक्स और मलान खड़े रह जाते। और हमारी जो मतलब पेशावर जर्मी की फील्डिंग भी बहुत ही बेकार रही, कुछ कैचेस अच्छे पकड़े, कुछ कैचेस जो है हमने आसानी से छोड़ दिए। यानी हसीबुल्ला की फील्डिंग नहीं क्या हुआ था, हसीबुल्ला कल फील्डिंग जो है उनकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। तकरीबन मेरे ख्याल में 3 कैचेस जो है छोड़े, नवीन उल्लत ने 1 कैच छोड़ा, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते उसको। और आगे हम बॉलिंग की बात करेंगे नवीन उल्लत की, और तो फुल मिला के हम जीत गए और बहुत ज़्यादा ही खुशी हुई। और फिर आखिरी क्या नाम है आखिरी ओवर में जो है तकरीबन 21 रन लग गए थे, और यार वो कौन है लीग में मौले कर पाता है, हाँ लुकवुड, क्या बंदे ने बॉलिंग करवाई, सिर्फ 4 ओवर में 13 रन दिया और 2 विकेट वो बंदा ले गया। वो आरिफ याकूब पंजाब के स्पिनर है, उस बंदे ने आखिरी के मतलब 3 विकेट वो बंदा ले गया। अगर वो विकेट नहीं उस टाइम पे लेते तो हम लोग हार सकते थे, बट वो बंदा आया। वो ये था कि छक्के उसने खाए बट उसने जो है विकेट निकाल दी, क्योंकि बाउंड्री थोड़ी सी लेग साइड की जो है वो बड़ी थी, जिसकी वजह से जो है हमारे जो लेग स्पिनर थे आरिफ याकूब उसको अच्छा वो मिला, और हम लोग जो है उसकी वजह से जीत गए, क्योंकि उसने जो है 3 विकेटें ली और मतलब सही टाइम पे उसने विकेट ली। अगर वो विकेट नहीं लेते तो हम हार सकते थे और फिर हमारा जो टूर्नामेंट है वो यहीं ख़त्म हो सकता था। फिलहाल अभी तो बहुत मैचेस बाकी, इंशाल्लाह आगे भी जीत जाएंगे। जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही है अच्छी रही है, सलमान इरशाद ने भी थोड़ी सी अच्छी बॉलिंग करवाई है, बट पहला ओवर उन्होंने अच्छे करवाया, बाकी 2 ओवर थोड़े से बेकार करें, लेकिन आखिरी ओवर वो अच्छे करके चले गए। और फिर हमारा सेकेंड लास्ट ओवर करवाते हैं हमारे मेन बॉलर यानी लुकवुड, लुकवुड ने करवाया तकरीबन 2 या 3 रन पे जो है उन्होंने ओवर जो है निकाला। फिर आते हैं हमारे पास कौन, नवीन उल हक, अफगानिस्तान के भी मेन बॉलर हैं, पता नहीं क्या करवाई उन्होंने, अल्लाह माफ़ करे। वो तो अच्छा हुआ डैनन सैमी था, डैनन सैमी ने इसको समझाया, मोहम्मद हारिस पीछे से समझा रहे थे कि भाई किस तरीके की करवानी है, बाबर आजम ने इस पर कुछ करा ही नहीं, जो समझा रहा है समझाने दो अपना, बाबर आजम ने मतलब फुल मिला के समझाया नहीं, वो दिखाया नहीं क्या सीन था, वो मुझे नहीं पता, क्या पता समझाया हो या नहीं समझाया हो। फिलहाल डैनन सैमी ने जो है पीछे से बताया कि भाई फील्डिंग सेट करो, ऐसी करो ऐसी करो। तो फिलहाल मौसली ने जो कैच पकड़ा है ना, ओ हो हो, विली का अगर वो भी खड़े रहते हैं ना तो वो भी पूरा कर जाते हैं, क्या कैच पकड़ा है बंदे ने। और वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो मुल्तान सुल्तान के फ़ैन हैं, मैं तो पेशावर जर्मी का फ़ैन हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आउट ही था वो, और वो आउट था आप मानो या ना मानो, क्योंकि वो जो है पैर उठ चुका था जब बॉल जो है उसने हाथ में पकड़ी तो जो है उसने फिर फेंकी तो पैर उठ चुका था, फिर मिला के वो आउट ही था। मुल्तान सुल्तान फैन काम आनेंगे छोड़ो, फिलहाल जो भी हो मज़ा आ गया, इफ्तिकार अहमद भाई आए, अल्लाह माफ़ करें, आखिरी ओवर पता नहीं इसको कहाँ से मिल गया, नवीन उल्लत ने थोड़ी सी बहुत बेकार करवाई बट एंड में वो कवर हो गया। डैनन सैमी ने बताया कि भाई कहाँ बॉलिंग करवानी है, उस बंदे ने फिर करवाई और फिर मोहम्मद हारिस ने कैच अच्छा पकड़ लिया, और मतलब बॉलिंग भी अच्छी थी कैच भी अच्छा पकड़ लिया, वरना इफ्तिकार अहमद जो है वो पूरा कर जाते, सुकून से पूरा कर जाते। वो तो अच्छा हुआ स्ट्राइक उनको नहीं मिली थी चाचू को, इफ्तिमानिया को जो है स्ट्राइक नहीं मिली थी, वरना वो मैच पहले ही ख़त्म हो सकता था।
और सामने से जो है विकटें गिरती रही तकरीबन, फिर लास्ट विकेट थी आठ विकेट थी इफ्तिखार अहमद खड़े थे आखिरी ओवर में, 21 रन रह गए थे वो भाई साहब ने छक्के वक्के सही कुल मिला के जो है मार दिए इफ्तिखार ने, पता नहीं क्या हो गया था उसको कल के मैच में, मतलब वो हर मैच में मारता है और अच्छा है कि भाई हमारे पास पावर हिटर बैट्समैन है आसिफ अली के बाद, आफरीदी के बाद। आसिफ अली तो फॉर्म में है ही नहीं, आसिफ अली भी कुछ नहीं कर रहे हैं पूरे PSL में, मुझे लगता है इस्लामाबाद की जर्सी उनके ऊपर सूट करती है, तो आप अगले सीज़न वहीं चले जाइएगा। अब पता नहीं, देखते हैं अगले मैच में वो परफॉर्मेंस करते हैं या नहीं करते, आज बड़ा ख़तरनाक मैच है। और इफ्तिखार, फिर हमने इफ्तिखार अहमद को भी आउट कर दिया, फिर आखिरी जो धानी थे उनको भी हमने आउट कर दिया। और धानी आप कहाँ भाग रहे थे, अब भी अगर धानी छक्का मार देते ना क्राउड में पहुँच जाता भाई, वो वो ऐसा भागते कि क्राउड में, मेरे ख्याल में ग्राउंड से बाहर ही चले जाता वो, मतलब भाई शुक्र आउट हो गया वो ना, अगर वो बल्ले पे आती तो छक्का जा रहा था, सुकून से जा रहा था। अच्छा वो विकेट मिल गई और फुल मिला के हम जीत गए। अल्लाह हाफिज़, आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, माजरा वीडियो जो है बहुत लेट आ रही है। फिलहाल अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।